तो दोस्तों सीरियम बात करने वाले इंडसइंड बैंक के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे इंडसइंड बैंक का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मॉडल लेवल्स है जो हमें इंडसइंड बैंक के लिए ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल लेवल्स एंड प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर अब नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, इंडसइंड बैंक के लिए यहाँ पर जो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए वो यहाँ पर वर्स्ट एवर हिट करके गए हैं पर्टिकुलरली इस काउंटर को, राइट। इंडसइंड बैंक के अंदर ऑलरेडी ओवरऑल नेगेटिव मार्केट होने की वजह से गिरावट तो हो ही रही थी, बट क्वार्टर टू के रिजल्ट्स ने यहाँ पर जो है वो स्टॉक को कम्प्लीटली हैमर कर दिया। 1278, दैट मीन्स कहीं ना कहीं रफली अगर मैं कहूँ तो 1300 के राउंड नंबर पे इसका मेजर सपोर्ट था जो फाइनली ब्रेक हो चुका है। एंड नेक्स्ट वीक में अब यहाँ पर इंडसइंड बैंक का सपोर्ट ओपन होकर आ रहा है 1000 रुपीज़। अगर 1000 रुपये के लेवल्स को सस्टेन कर लिया तो रिकवरी यहीं से आएगी, और अगर उसको ब्रेक कर दिया तो स्टॉक के अंदर फर्दर सेलिंग चलेगी। एंड इसका नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली अब 800 रुपीज़ से लेकर 750 की रेंज में देखने को मिलता है।